बायां हाथ उठा। नहीं आई, हम थक गए। अरे थकने से कैसे चलेगा, काकू जैसा बोल रही है वैसा कर देना। तू चुप रहना मेगा, जब तू प्रेग्नेंट होगी तब तू करना। आई मैं क्या करूँ इस बच्चे का, मैं बैठ नहीं पा रही हूँ, मैं सो नहीं पा रही हूँ, अंदर से सिर्फ लाते ही पड़ती हैं, बहुत दर्द होता है। ऐसे होता है, तुमने पता है कितनी लाते मारी थी मुझे? क्या ये बदला? हाँ रख दे इधर। क्या ये मेरे को खाना है? नहीं आई, मेरी तबीयत बहुत खराब है, प्लीज। चुप करके खा ले, सब नाटक जानती हूँ मैं तेरे। मेघा तू यहाँ बैठ, चला और इसको खाना खिला। ये ले खा ले। केतकी आज तेरी सोनोग्राफी है ना, भूल गई ना, डॉक्टर के पास जाना है ना। भाई क्यों जाना है, मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ, 100 किलो वजन नहीं बढ़ा मेरा। अरे बाबा, सोनोग्राफी से पता चलता है कि होने वाले बच्चे का स्वास्थ्य कैसा है, ठीक है? और मुझे पता था तू जरूर भूल जाएगी, इसीलिए मैंने तय किया है मैं भी चल रही हूँ तेरे साथ, ठीक है? ताई अभी आप कैसे जा सकती हैं, आधे घंटे में तो हमें रेडियो स्टेशन जाना है आपके इंटरव्यू के लिए। अरे देवा मैं भी ना आजकल बहुत भूलने लगी हूँ। तेरी उम्र हो गई ना अब, इसीलिए भूल रही है तू। आजी कलानी तू एक काम कर, तू चली जा रेडियो, मैं ले जाऊंगी केतकी को अपने साथ। चल शिवांग। तो दोस्तों आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं सुपर हिट जाने माने गायिका कल्याणी गायकवाड़। सो कल्याणी जी, पिछले कुछ महीने में आपके तकरीबन 9 गाने बैक टू बैक सुपर हिट रहे हैं, इनका श्रेय किनको देना चाहेंगी? मैं उन श्रोताओं को जिन्होंने मेरी आवाज को पसंद किया, मुझे प्यार दिया, उन महान संगीतकारों को जिनकी धुनों ने मेरी गायकी को लोगों के दिलों तक पहुंचाया, और मैं केवीके की बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि उनके बिना ये कुछ मुमकिन नहीं था। सुनने में आया है कि आजकल आप बड़े बड़े संगीतकारों के ऑफर्स ठुकरा रही हैं। जी ऐसा नहीं है, मैं उन लोगों को अहमियत दे रही हूँ जिन्होंने सबसे पहले मुझे मौका दिया था जब मुझे कोई नहीं जानता था। उनके बाद अगर मुझे वक्त मिलता है तो मैं और संगीतकारों के साथ भी गाना चाहूंगी। कल्याणी जी हमारे सूत्रों के अनुसार पता चला है कि जब से आपके गाने सुपरहिट होने लगे हैं तब से आपकी बहन केतकी मिस्त्री का एक भी गाना मार्केट में नहीं आया है, इसकी वजह आपकी सुपरहिट गायकी की कामयाबी बताई जा रही है। जी ऐसा नहीं है, केतकी दरअसल माँ बनने वाली है और डॉक्टर्स ने उन्हें सलाह दी है कि वो आराम करे। ये तो खुशी की बात है, हमारी तरफ से भी आपकी बहन को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, आपकी शुभकामनाएं मैं केतकी तक जरूर पहुंचाऊं। थैंक यू सो मच कल्याणी जी। अच्छा कल्याणी जी एक आखिरी सवाल जो कि हम ही नहीं बल्कि पूरा देश आपसे पूछना चाहता है, आप शादी कब करेंगी? आपके इस प्रश्न का उत्तर मेरे पास नहीं है। खाना बनाना आता है तुम्हें? मालकिन आप तो उंगलियां चाटती रह जाएंगी। और क्या क्या काम आता है? नाच लेते हैं। What do you mean? बिल्कुल ऐसे ही हमको चोट लगी। जब तुम्हारे बेटे ने हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया और तुम्हारी बेटी ने उसकी मदद की। मैं तो सारी जिंदगी भगवान को मानती रही लेकिन फिर भी इस घर ने कितना कुछ झेला। अब भले ही तुम लोग इसे अंधविश्वास मानो लेकिन मैं नहीं चाहती अब इस घर में कोई भी बुरी शक्ति रहे।